क्योंकि आज ये बहुत खुश है, आज ये सारी बातें बता देगा, हम कुछ भी बोलवाए ना ये सब बताने वाला है। क्योंकि आज ये बहुत खुश है, आज हम सर्दियों के बाद सर्दियाँ खत्म होने के बाद अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो फर्स्ट टाइम पार्क जा रहे हैं, वो भी रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए। लेकिन पता है हमको हमको ना शायद बहुत पूछा क्यों हम बहुत लेट जा रहे हैं। नहीं रुकेंगे, ज़्यादा लेट नहीं जा रहे हैं, वैसे आजकल ना पार्क जल्दी बंद हो जा रहा है। और वहीं कुछ कहना चाहती हूँ, यस आई एम वेरी खुश, लेकिन दुखी भी हूँ क्योंकि मेरा वो आने वाला है लास्ट का रिजल्ट आ चुका है और माही का भी आया नहीं है, तो माही थोड़ा धुक 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 चल रही है माही की, और रिलैक्स रिलैक्स हो गया है अब। और कुछ दिन बचे, कुछ कहना था और रिलैक्स कुछ दिन तक बच्चे दोनों बच्चे मस्ती करेंगे, और फिर उसके बाद 1 अप्रैल से तो फिर नई क्लासें वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएंगी। और इसका 8 और उसका 3rd, फिर वही अपना डेली का फिर रूटीन चालू हो जाएगा। देखूंगी ही नहीं, थर्ड फोर्थ, इसने फिर प्रॉमिस करा है कि 8th में मैं टीवी और फ़ोन नहीं देखूंगी, जो कि इसका हर साल ही प्रॉमिस होता है एग्ज़ाम ओवर होने के बाद नई क्लास स्टार्ट होने से पहले। और फिर धीरे धीरे जब जब वो तो देखने को मिलेगा। चलो आप इस बार तो मैं नहीं बल्कि आप लोग भी विटनेस हो। नहीं देखूंगी, इसे सबके सामने बोला है, देख लो सबके सामने बोला कि मैं नहीं देखूंगी। और ये लोग पहुंच चुके हैं उधर, और मैं भी जा रही हूँ। और ना पार्क थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में नंदा देवी मंदिर पड़ेगा, हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा पार्क। और पता नहीं पार्क भी खुला हुआ है या बंद होगा। यहाँ पे आ चुका हनुमान मंदिर और यहाँ पे है नंदा देवी मंदिर, और यहाँ पर रोज शाम को आजकल होली के गाने कीर्तन भजन होते हैं, डेली शाम के टाइम पर होते हैं। अगर कभी शाम के टाइम पर आएंगे ना तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि होली के मतलब जैसे होली के जो गीत होते हैं ना भजन टाइप वो होते हैं, वो होते हैं। आज अभी हम आ चुके हैं मतलब रोड पे आ चुके हैं, पहले हम अपनी कॉलोनी में थे लेकिन हम रोड पे आ चुके हैं, मेन रोड पे आ चुके हैं। और यहाँ चारों तरफ से खुशबू आ रही है, मिक्स खुशबू, चाउमीन और अंडे की स्मेल और मोमोज, साथ में मीठी मीठी जलेबी की खुशबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जलेबी बनती है वो बहुत टेस्टी होती है, सब ना मिक्सअप हो गया हो। लेकिन अभी हमने खाना खाया ना तो कोई सी भी स्मेल हमको अच्छी नहीं लगी। हाँ क्योंकि पेट पूरा भर रखा है। आज तो दाल बनाई थी मम्मी ने, तो दाल और चावल खाए थे मैंने तो, क्योंकि मैंने दिन में चावल नहीं खाया था, आज के मैं दिन में खाना स्किप कर रही हूँ। दाल तो तुम्हारे चावल के लिए बनानी पड़ी ना मुझे, वैसे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी तो बनाई थी। हाँ आलू गोभी दाल बनाई थी, लेकिन दाल हमने मेरे को आलू गोभी ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने दाल खाई थी। और होली के कपड़े लगे हुए हैं वहाँ ना, सारे सारे होली की जो टी शर्ट वगैरह होती है वो लगी हुई है, लेकिन हमारे पास तो है घर में। मम्मी अपने जाकर डांट रही हैं क्योंकि ना वो घर से तो वो जैकेट पहन के आया था, लेकिन उसने भी जैकेट उतार दिया, वो मम्मी के हाथ में निकली। ठंड के दिन थोड़े ना, ये गर्मियों के दिन आ गए, और इतनी मोटी जैकेट उठा करके ले आया और अभी उसने जैकेट उतार दी, ये नहीं पहन के रख लूँ, और फिर मम्मी के हाथ में दे दी। गाइस पार्क में आज कोई भी नहीं है, हमारा मशीन में भी कोई नहीं है, मतलब मशीन में तो कोई ना कोई तो होता ही, इसका मतलब पार्क बंद हो चुका है और अब हमें इसे राउंड लगा के जाना है। पार्क बंद हो चुका है गाइस, मैंने कहा था ना जो लेट आया है, अभी भी बंद हुआ है क्योंकि ना अभी 10:01 हो रहे हैं, मतलब 10 बजे ही बंद हो जाता है, और हम अभी 10:01 पे अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। वो दूर एक गार्डन का दिखाई दे रहे हैं, वही होंगे और कौनों का। यहाँ पे है पीर बाबा का मंदिर, तो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं आइसक्रीम निराक्ष की जिद पर। निराक्ष तो आता ही घूमने बाहर इसलिए ताकि उसको आइसक्रीम खाने को मिले, घूमना तो एक बहाना है, असली में उसको आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। जब से गर्मियाँ शुरू हुई है ना तब से ये लोग ये आइसक्रीम पे ही
रखा आया हुआ है। हम एक बार अपने बाजार गए थे ना, तभी खड़ा हुआ था, तो उसे पापा से बोला पापा आइसक्रीम खा लूँ, आइसक्रीम दिलाओ, फिर पापा ने उसको आइसक्रीम दिलवाई। मतलब मिलाक्ष इस सर्दी में अभी 2-3 आइसक्रीम तो खा चुका है। तो फ्रेंड्स अभी कुत्तों ने अटैक कर दिया था नीलाक्ष पर। अच्छा पता है ये, पता है भागा एकदम से, और वहाँ पे 2 कुत्ते थे और एकदम नीचे झुका ही है ना, ये ना फिर जूते को ये कुछ नहीं करेगा, मैंने क्या करा था, झुका उन कुत्तों को लगा कि ये जो है पत्थर उठा रहा है। हाँ। उन्होंने भूखना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देखो मेरे 2 कुत्ते। तो फ्रेंड्स हम उधर से गए थे और हम गोल चक्कर लगा के घर आ गए हैं, अब इधर से आ गए हम लोग, क्योंकि ना नीलाक्ष। तो फ्रेंड्स अब माँ ही करके एंट्री अंदर को, हमने ना लॉलीपॉप कवर किया, देखो जैसे स्टिक हो गई हमारे घर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर हमने एक ऐसे गोल किया, तो मैं स्टिक और गोल लॉलीपॉप मुझे तो समझ में नहीं आई, सर में से गोल गोल घूम के निकल गई तेरी बातें सारी, पता नहीं क्या बोल के चली गई। और अभी हम एंटर कर चुके हैं अपनी गली में, और पार्क तो बंद था, तो आज पार्क तो ना हम गए और ना आपको दिखाया, कैसे दिखाते जब पार्क ही बंद था, तो खाली एक राउंड लगा करके आ गए हैं घर को, और नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपको जरूर 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 पार्क दिखाएंगे। और आइसक्रीम हमने वहाँ नहीं खाई और रास्ते में भी नहीं खाई, क्योंकि थोड़ा सा धूल धार, हमने कहा चलो घर जा कर के आराम से खाएंगे। तो आइसक्रीम अभी झूल रही है, वो लटक रही है वहाँ अपने मौत और उसके बीच में। डिमोनेटाइज कर देगा यूट्यूब उसको, उसको आपको काटना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब से डिमोनेटाइज कर दिया। दादी एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। पहले बाकी होता, पहले बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ होता, बैड न्यूज़ पहले गुड न्यूज़ सुनते हैं। चल पर दादी, अब दादी ने बैड न्यूज़ बताया तो बैड न्यूज़ बता, बैड न्यूज़ सुनने का अच्छा है। चल हाँ फिर बैड न्यूज़ के बाद गुड न्यूज़ सुनेंगे तो गुड न्यूज़ ही रहेगी ना। बैड न्यूज़ ये है कि पार्क तो बंद हो गया है। अच्छा। और गुड न्यूज़ ये है कि हम आइसक्रीम खाएंगे। गर्मी आई नहीं है अभी। अरे यार आइसक्रीम निराशा के लेकर आ गए हैं अभी, इसने नहीं बोला। अरे यार चिल करो दादी, चिल है, चिल ब्रो चिल, सब लोग चिल ब्रो चिल। कितने बजे बंद हो रहा है क्या पता नहीं, तो जल्दी क्यों करते रहे हम, 10 बजे बंद हो रहा है वही तो। अगर, तो अगर, अगर, कम से कम अगर वो गार्ड अंकल ब्लॉग देख रहे हैं हाँ। तो अगर वो गार्ड अंकल ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज 9 बजे बंद कर देना। 9 बजे 10 बजे हम गए, 9 बजे बंद कर, 11 बजे कम से कम 11 नहीं तो बंद करना चाहिए। हाँ 10:30 बजे तब भी है ना, क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ पहले तो बंद ही नहीं होता था वो, नहीं पहले बंद नहीं होता था, कुछ हुआ होगा वहाँ। हाँ कुछ हुआ होगा ना, आजकल कितनी सारी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए गार्ड रख दिया और पार्क टाइम से बंद हो जा रहा है, वहाँ अंदर किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। अंदर गार्ड है। हाँ गार्ड को भी देते हैं। तो क्या सभी लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, या मम्मी खा रही है, दादी अभी नहीं खाएंगी। दादी ने कहा कि मेरी वापस फ्रीजर के अंदर रख दो, मैं भी धनिया वो जो भी मेथी वगैरह छाटती हूँ फिर खाऊंगी। गाइस गाइस पहले हमें लगा कि एक कम है, पर फिर हमें पता चला पापा को किसने दे दिया, जो मैं था, मिस्टर नीलाक्ष उप्रेती। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज के ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।